मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शहर में आवारा कुत्तों ने मानो कोहराम मचा दिया है। क्या बड़े क्या बच्चे, हर किसी को ये आवारा कुत्ते काट रहे हैं। एक दिन में करीब 10 से भी ज्यादा लोगों को इन आवारा कुत्तों ने काटा है, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। मामला उल्लासनगर के दुर्गापाड़ा समर्थ चौल का है। आवारा कुत्तों के काटने की वजह से अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चौल का गेट हमेशा बंद रखना पड़ रहा है, ताकि बच्चों को कुत्तों से बचाया जा सके। कुत्तों ने जिन बच्चों को काटा है, उनके चेहरे और हाथ शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर जख्म बने हुए हैं। इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल से डॉक्टरों ने मुंबई के एक अस्पताल में इन्हें रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इन खूंखार कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। जी सर, हमारी मांग ये है, मैं नाम धर्मनारायण मौर्य बोल रहा हूँ। ये स्वामी समर्थ चाल है और ये इधर प्रधान सेठ दुर्गापाड़े में पड़ता है। इधर आवारा एरिया जितने कुत्ते हैं बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। आज तो 7-8 बच्चे को काट चुका है और इतना परेशानी हो रहा है कि सब घर पे कैद हो चाहिए। जितने बच्चे भी सब कैद है सर। और हमारी ये मांग है महानगर पालिका जी से सर से निवेदन है कि जितने कुत्ते हैं उनको पकड़ाया जाए और जितने बच्चे लोग को बहुत तकलीफ है। ये देखिए सर, ऐसे ये बच्चे लोग को काटा है। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे जितने भी हैं इनको बहुत तकलीफ हो रहा है सर जी। हमारे से निवेदन है बार बार कि ये हमारी सुरक्षा की जाए। और ये सब हम लोग बाहर से आए हुए काम कर रहे हैं हम सर। जो आज बच्चों को काटा है वो बच्चे कहाँ पर है? और बच्चे वो मुंबई में है और सब हॉस्पिटल में है। इनको थोड़ा नॉर्मल था तो इधर इनको भी लेके जाने का है। तो आप देख लीजिए सर, आपके सामने और 2-3 बच्चे, इनके बेटी को काटा है, वो कुरला में भर्ती है और बहुत तकलीफ है। और कलवा लेके गए हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती है सर। अभी वो कुत्ता यहाँ पर, ये एक कुत्ता एरिया में? जी सर, एरिया में ही कुत्ता है। अभी एरिया से अभी आप इधर ही गया, आपके सामने इधर थोड़ा दूर गया है सर, आप देख लीजिए बहुत कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं। इधर ये आउट एरिया पड़ रहा है इसलिए कुत्ते ही बहुत ज्यादा है।